छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको विज्ञान में पहला पाठ भोजन के अवयव के बारे में बताएंगे। कल हमने आपको बताया था भोजन के अवयव कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, आहार जैसे आदि होते हैं। भोजन के अवयव क्या हैं? भोजन के अवयव इनको घटक भी बोलते हैं। भोजन के अवयव या घटक एक बात ये है, आपके कल बताया था कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन वसा खनिज लवण जल तथा आहार जैसे कल इनके बारे में आपको बताया था। आपको अपनी एक नोटबुक लिख करके उसमें जो आपको पढ़ाया जा रहा है उन सबको नोट करते रहना है, लिखते रहना है, ताकि इसको आप बाद में भी अध्ययन कर सकें और इसका रिवीजन भी आप समय समय पर कर सकें। जो आप दिमाग में स्थायी हो जाता है, इसको बार-बार रिपीट करने से याद हो जाता है हमें। तो आपने एक कॉपी पेंसिल पेन ले करके और इनको साथ साथ लिखते भी रहना है समझने के साथ साथ। कल हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया। कार्बोहाइड्रेट ये पोषक एक भोजन का आवश्यक घटक है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख स्रोत हैं, अवयव है, और ये हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं, कोशिकाओं को, ऊतकों को, अंगों को कार्यक्षम बनाए रखने की क्षमता प्रदान करते हैं। ये दो रूपों में होता है। कल कार्बोहाइड्रेट स्टार्च युक्त और शर्करा युक्त दो प्रकार का होता है। स्टार्च युक्त और शर्करा युक्त दो रूपों में पाया जाता है। स्टार्च युक्त में आपको बताया था रोटी है, चावल है, सभी अनाज है, आलू है आदि में पाया जाता है। और शर्करा युक्त में आपके गन्ना है, चीनी है, शक्कर है, चुकंदर है आदि, इनमें ये शर्करा युक्त में पाया जाता है। आज इसके बाद परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किसी पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, किसी पदार्थ में ये पोषक तत्व है या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए हम एक गतिविधि का करते हैं। गतिविधि में क्या है, दो प्रणालियां लेकर के, और एक प्रणाली में सादा पानी डालेंगे, दूसरी प्रणाली में उबले हुए आलू का पेस्ट डालेंगे। आलू को लेकर उबालते हैं, उबालकर उसका चूरा सा बना करके और पेस्ट तैयार कर देते हैं, उसको प्रश्न डालते हैं, उसमें थोड़ा पानी डाल करके उसको ऐसे हिला लेते हैं। हिलाने से उसका पेस्ट बन जाता है, चटनी टाइप में बन जाता है। वो मिलियन उनका दोनों में दो दो बोल आयोडीन मिलियन की डालते हैं। प्रणाली ए में भी जिसमें साधारण पानी था, और प्रणाली बी जिसमें आपने आलू का जो मिश्रण डाला है, जो पेस्ट डाली है उसमें, तो हम कुछ समय बाद देखते हैं कि जो आपके आलू मिश्रित विलयन है उस कारण काला हो जाता है। इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। ये आपके कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण की विधि है। अब इस विधि को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। कार्बोहाइड्रेट परीक्षण दो साफ स्वच्छ प्रणालियां लेते हैं तथा उन पर ए तथा बी अंकित करते हैं। एक था भी अंकित करते हैं, अंकित नहीं उसके ऊपर लिख देते हैं, अंकित करते हैं।
पर नली एक इस प्रकार की सी ये नदी होती है जो इसका एक सिरा खुला हुआ होता है, और इस प्रकार की दो पर नलियां ली हमने, इसका एक सिरा खुला हुआ होता है। कई बार जान बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर परीक्षण करने के लिए कहते हैं, जांचें करने के लिए कहते हैं, तो वहां पर जो कर्मचारी होते हैं हमारे पास ब्लड रक्त निकाल करके इस प्रकार की एक नली में डाल देते हैं। ये परख नलियां हैं, इस एक पर हमने ए लिख दिया, एक पर हमने बी लिख दिया, इस प्रकार की करना है। वो भी जो हम जांच कराते हैं अस्पताल में, अस्पताल में वो भी हमारे जो परख नली में जहाँ पर कोई जो भी स्लाइड है जो भी है उस पर नाम डाल देते हैं हमारा। तो इस प्रकार हमने ए और बी डाल दिया, उन पर ए केंद्रित करते हैं तथा परख नली ए में सादा पानी डालते हैं, परमनली के में सादा पानी डालते हैं तथा परमनली बी में, तथा परमनली बी में, तथा परमनली बी में उबले हुए आलू का पेस्ट, उबले हुए आलू का पेस्ट डालते हैं, पेस्ट डाल कर उसमें थोड़ा पानी और डालकर अच्छी तरह हिलाते हैं, अच्छी तरह हिलाते हैं। अब दोनों प्रणालियों में, प्रणाली ए और प्रणाली बी, दोनों प्रणालियों में दो दो बूंद ड्रॉपर की सहायता से आयोडीन मिलियन की डालते हैं। दोनों प्रणालियों में दो दो बूंद आयोडीन मिलियन, आयोडीन के तो है इसका मिलियन आता है। वह तो आपकी दुकान है जयपाती जिसमें केमिकल मिलते हैं वहां पर आता है, इसमें दो दो बोले आयोडीन मिलियन की डालकर दिलाते हैं। और कुछ समय बाद देखते हैं कि परखनली ए जिसमें सादा पानी था उसमें हमने जो आयोडीन मिलियन डाला उसके मिलियन में सादा पानी में कोई अंतर नहीं हुआ। हमने समय बाद देखते हैं कि जिस परखनली में सादा पानी था उसके मिलियन में कोई अंतर या परिवर्तन नहीं हुआ, उसके रंग में पानी या उसके मिलियन में कोई परिवर्तन, मिलियन के रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि परखनली बी जो परखनली बी थी, एक परखनली ए में साधारण जल था और इसमें कुछ आलू के मिश्रण से गाढ़ा हो गया था, इसके मिलियन में कुछ पानी मिलाकर वो हल्का सा पतला सा किया, इसके मिलियन का रंग काला हो जाता है, इसका रंग परिवर्तन हो गया, कैसा होगा रंग परिवर्तन हो गया इसमें, इसमें क्या था आलू की पेस्ट प्लस आयोडीन मिलियन,
आयोडीन विलयन। आलू की पेस्ट और आयोडीन विलयन दोनों मिल करके उस विलयन का रंग को परिवर्तन कर देते हैं, यानी उसके रंग को बदल देते हैं। तो ये इससे क्या सिद्ध होता है कि आलू में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। ये स्टार्च परीक्षण की विधि है। परिवर्तन निवास जब की प्रश्न नंबर बी में आलू के पेस्ट के विलयन कारण कैसा हो गया? काला हो गया। इससे निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है इससे निष्कर्ष, कि कार्बोहाइड्रेट आयोडीन विलयन के साथ क्रिया करके काला रंग प्रदान करते हैं, काला होते हैं, नीला हो जाता है। कि उसे क्या रंग नीला काला बनता है, काला नीला, नीला काला हो जाता है, हो गया। जबकि प्रणाली में बी में आलू के पेस्ट का विलयन का रंग नीला हो गया। निष्कर्ष से क्या निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलता है क्रिया करके नीला में कार्बोहाइड्रेट आदि से लेकर नीले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, नीले रंग में परिवर्तित हो जाती है। अब इसमें आपको दो प्रणालियां बनानी है। इसी प्रकार दो प्रणालियां बनाकर उसके नामांतरण करना है। तो पहले मैंने इस प्रकार की आकृति बनाई प्रणाली, यहां लिखना है इसमें इस प्रकार की स्थिति, यहां प्रणाली एक ऊपर लिख दे और इसमें दे सादा पानी, दूसरी प्रणाली भी इसमें कुछ इस प्रकार की संरचना बना करके हर जगह आलू का पेस्ट, आलू का पेस्ट, सादा पानी और आलू का पेस्ट, दो प्रणाली आपको बनानी है। पेंसिल से आपको जो भी डायग्राम बनाने हैं वो अपने पास इसमें बुक्स में जो नोटबुक है आपकी उस नोटबुक में पेंसिल से ही डायग्राम बनाएंगे, पेंसिल डायग्राम नहीं बनाएंगे। अब इसके बाद अपना अगला टॉपिक आ रहा है प्रोटीन। ये सभी आपको लिखने हैं अपने कॉपी में, नोटबुक में डाल लेना है और अच्छे अच्छे शब्दों में।
इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है वो है प्रोटीन। अगला टॉपिक अपना प्रोटीन। ये प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि विकास और शरीर के टूट फूट और उसकी मरम्मत का कार्य करने के काम में आता है, और ये हमारे शरीर को मानसिक शक्ति प्रदान करते हैं और ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये इसके मुख्य कार्य है। प्रोटीन किससे मिलकर के बनता है वो देखिए। प्रोटीन का निर्माण प्रोटीन कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन के नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बनता है, तत्वों से मिलकर बनता है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तथा अमीनो अम्ल के रूप में अमीनो अम्ल के रूप में संचित रहते हैं। अमीनो अम्ल के रूप में संचित रहते हैं। ये हमारे शरीर की टूट फूट और मरम्मत के लिए आवश्यक है। ये हमारे शरीर की टूट फूट व मरम्मत के लिए आवश्यक है। छात्रों आपको इसको जो आपको बोर्ड पे लिखवाया गया है इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से उतारना है ताकि इसको आप बाद में भी दोबारा से रीड कर सके। धन्यवाद। आज के लिए आपको इतना है, इसको अच्छे से लिख लेना, बाकी शेष कल आपको। धन्यवाद।